नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्थान क्रम के तीन ऐसे प्रश्नों को जिन्हें हम ट्रिकी तरीके से सॉल्व कर दिखाएंगे। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कुल स्थान बराबर अगर पूछता है तो प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान दिया रहेगा। प्रारंभ से स्थान किसे कहते हैं तो ये है, अगर प्रारंभ से स्थान किसी व्यक्ति का, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है तो प्रारंभ से स्थान यानी इधर से, अंत से स्थान यानी कि इधर से। तो कभी कभी प्रारंभ के जगह पे लिख सकता है बाएं से स्थान, तो बाएं से स्थान यानी कि बाएं हाथ से स्थान यानी कि इधर से, और दाएं से कहे तो दाएं यानी कि दाएं हाथ इधर है तो दाएं से स्थान यानी इधर से। यानी प्रारंभ से कहे या बाएं कहे एक ही बात है, दाएं से कहे या अंत से कहे एक ही बात है। कभी कभी कहेगा ऊपर से स्थान किसी व्यक्ति का और व्यक्ति का नीचे से स्थान, तो जब ऊपर से कहेगा तो कोई भी क्रम हम लोग शुरू करते हैं तो ऊपर से ही लिखना शुरू करते हैं। तो हम लोग ऊपर से स्थान को हम समझ जाएंगे प्रारंभ से स्थान, और नीचे से स्थान अगर देगा तो उसको समझ जाएंगे अंत से स्थान। यानी ऊपर से कहे या प्रारंभ से कहे एक ही बात है, नीचे से कहे या अंत से कहे एक ही बात है। यानी ट्रिक हमेशा यही वाले तीनों हम लगाएंगे। सिर्फ ये पहला प्रश्न इसमें लिखा हुआ है 52 बच्चों की एक कक्षा में, तो टोटल संख्या को बराबर लिख के अगर ऐसे लिख दिया जाए तो हम लोग अपने आप को समझने के लिए, समझाने के लिए समझ जाए कि बराबर लिख के लिखने का मतलब यह है कि हमने टोटल संख्या लिखा है। तो 52 बच्चों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से गिरावा है, तो बिलाल का स्थान ये बिलाल है, बिलाल का स्थान नीचे से कौथा है तो इग्रहवा है, और सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। यानी जहां बिलाल है उससे 9 स्थान ऊपर कौन है, सलमान है। तो अगर बिलाल इग्रहवे पर है और सलमान इसे 9 स्थान आगे है, यानी 11 में 9 जोड़ देंगे तो यानी कि प्रारंभ से ये किस स्थान पे है, 20वें स्थान पे है। कौन है तो सलमान है, यानी यहां पर सलमान है बिलाल ग्यारहवें स्थान पर, और बिलाल से 9 स्थान आगे यानी कि प्रारंभ से 20वें स्थान पे सलमान है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऊपर से सलमान का क्या स्थान है, यानी कि अगर ऊपर से देखा जाए तो सलमान का स्थान क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। यानी कि ऊपर से स्थान पूछ रहा है, यानी ऊपर से स्थान पूछे यानी कि क्या पूछा जा रहा है, प्रारंभ से स्थान। तो जब प्रारंभ से स्थान पूछा जाए तो ट्रिक ये वाला लगेगा, यानी कि कुल स्थान माइनस अंत से स्थान और प्लस एक। तो कुल स्थान क्या है तो 52 है, और अंत से स्थान क्या है तो सलमान का स्थान पूछा जा रहा है, तो सलमान का अंत से स्थान क्या है तो 20, और ट्रिक में है प्लस एक। तो अब इसके पहले कोई चीज नहीं, तो प्लस हम मानते हैं तो प्लस प्लस को पहले जोड़ लीजिए, 52 एक 53 माइनस 20, तो यहां पर कितना आ जाएगा 3, और यहां पर आ जाएगा 3 यानी कि 33। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी 33। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न, इसमें लिखा है 74 लड़कियों की एक पंक्ति में, तो हम सांकेतिक रूप से बराबर 74 लिख लेंगे। तो बराबर 74 का मतलब हम समझ जाएंगे अपने आप कि ये टोटल संख्या है। पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27 मिली, यानी बाया हाथ इधर है, यानी बाएं छोर से पंक्ति है ये 27। कौन है तो श्वेता, श्वेता बाएं छोर से ये 27 हो गए। अब पलक श्वेता से दाएं 7वें स्थान पर है, पलक जो है श्वेता से दाएं, यानी श्वेता यहां है तो श्वेता से दाएं यानी कि इधर 7वें स्थान, यानी कि 27 पर है तो ये 7 स्थान दाएं यानी कि 7 स्थान और आगे है, यानी कि 27 में यहां पर हमें 7 जोड़ना होगा। तो यानी कि प्रारंभ से स्थान हो जाएगा 27 और 7, तो यहां पर हो जाएगा 4 और 3, यानी कि 34वां स्थान हो जाएगा किसका, तो पलक का। फिर से समझ लीजिए, श्वेता का स्थान प्रारंभ से 27वां है, और श्वेता से दाएं यानी कि इधर साइड में 7 स्थान आगे, तो 27 और 4 7 27 7 34 हो जाएगा, यानी प्रारंभ से 34वें स्थान पर पलक है। तो इसमें पूछा जा रहा है पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से, तो दाया हाथ इधर है यानी कि दाएं छोर से यह स्थान कौथा हुआ। तो मैंने शुरू में ही बताया था ये प्रारंभ से स्थान है, तो इसको प्रारंभ से स्थान कहिए या बाएं से स्थान कहिए, इसको अंत से स्थान कहिए या दाएं से स्थान कहिए, तो यहां पर
पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से पूछ रहा है, दाएं छोर कहिए या अंत से स्थान कहिए। अंत से स्थान बराबर क्या होता है, तो ये ठीक लगेगा, अंत से स्थान बराबर कुल स्थान माइनस प्रारंभ से स्थान और प्लस एक। तो कुल स्थान कितना है तो 74 माइनस प्रारंभ से पलक का चुकी स्थान पूछ रहा है, इसलिए श्वेता को नहीं देखेंगे, पलक का स्थान पूछ रहा है, इसलिए ये पलक का अंत से स्थान पूछ रहा है। तो इसलिए पलक का स्थान से चौथा है तो 34वां है और ट्रिक में है प्लस एक। तो यहां पे कोई चीज नहीं, प्लस मानते हैं तो प्लस प्लस ऊपर जोड़ लीजिए, 74 एक 75 माइनस 34, तो यहां पर हो जाएगा एक और यहां पर हो जाएगा चार, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 41। तो विकल्प इसमें हमारा हो जाएगा बी 41। तब हम देखते हैं अंतिम और तीसरा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वां, मनीष जो है बाएं छोर से 23वां कौन है, तो मनीष बाएं छोर से यानी कि इधर से बाया किधर है, तो इधर से 23वां। फिर कह रहे रमेश मनीष से 11 स्थान बाई ओर है, रमेश मनीष से 11 स्थान बाई ओर है, तो बाया हाथ इधर है यानी कि इधर है, मनीष से 11 हाथ इधर है तो यानी कि मनीष से 11 स्थान पहले है, तो 23 में से 11 निकालेंगे तो कितना होगा 2 और 1 यानी कि यहां हो जाएगा 12वां, यानी कि प्रारंभ से ही यानी कि चौथे स्थान पे है, 12वें स्थान पे है, कौन है तो रमेश। फिर से समझ लीजिए, मनीष का प्रारंभ से स्थान यानी कि बाएं हाथ से 23वां है, लेकिन रमेश मनीष से बाईं तरफ, रमेश है जो मनीष से 11 स्थान बाईं तरफ, तो 23 में से बाईं तरफ यानी कि इधर जाना है, यानी 23 में से 11 निकाल देंगे तो हमारे यहां पर आ जाएगा 12वां स्थान। तो अब क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, यदि रमेश दाएं छोर से 16वां है, यानी यही रमेश जो कि बाएं से 12वां है, यही रमेश यदि दाएं छोर से 16वां हो तो पंक्ति में कुल कितने लोग होंगे। तो याद रखिए किसी भी व्यक्ति का किसी भी पंक्ति प्रारंभ से स्थान पता चल जाए और अंत से स्थान पता चल जाए तो कुल स्थान बताना बहुत आसान है, क्योंकि प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान को जोड़ के एक घटा देने से हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यानी कि कुल वाला ट्रिक लगाना पड़ेगा, तो कुल स्थान बराबर यानी कि ये वाला ट्रिक, कुल स्थान बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान और माइनस एक। तो प्रारंभ से स्थान रमेश का पूछ रहा है, रमेश का प्रारंभ से स्थान 12वां और अंत से रमेश का स्थान 16वां और ट्रिक में है माइनस एक, तो प्लस प्लस वाले जोड़ देते हैं 16 26 27 28, 28 माइनस एक बराबर हमारा आंसर आ जाएगा, टोटल इस पंक्ति में कितने लोग हैं तो 27 लोग हैं, इसलिए हमारा आंसर फिर से हो जाता है बी। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।